मतलब मारे जा रहे पीछे पीछे। देने का टाइम तो नहीं आ गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आज लेकर आ गया हूँ खाना, अभी सुबह का वक्त है, 10 बज रहे हैं। मैं इनको खाना डालता हूँ अभी। ये मेरे हाथ में रोटी है, इस तरीके से मैं इनको डालता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये रोटी डाल देता हूँ उनको। ये धान डाल दी, ये धान डाल दी, धान डाल दी, एक और धान डाल दी। तुम वहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ उस तरफ, तुम तीनों यहाँ आ जाओ, तुम तीनों यहाँ इस तरफ, इस तरफ। काले तुम इधर ही। सुबह सुबह का वक्त है ना दोस्तों, तो ये रोटी बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन सारा अल्हम्दुलिल्लाह ये असील है, इन्होंने खा लिया है। ये दो यहाँ पे बर्तन में ही खा रहे हैं, ये इतने शौक से मतलब खाते हैं ना रोटी कि मैं आपको क्या बताऊँ, सब एक ही प्लेट में खा जाते हैं। वो मुर्गी खा रही है, यहाँ सब यहाँ खा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये रोटी कम पड़ गई, तो मैं इनके लिए अभी ऐसा करता हूँ, देखता हूँ और क्या खाने को है, फिर मैं वो इनको लाके डालता हूँ। ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी फिनिश कर दिया इन लोगों ने, और ये मेरे पास आके अब और मांग रहे हैं। तो मैं देखता हूँ क्या रह गया है। अब नीचे पानी है दोस्तों, इसमें देखिए अपनी चोंच जो है वो कपड़ों में साफ कर रहा है। देखें कपड़े सारे गंदे कर रहा है मेरे, ये देखें, ये गंदा कर दिया। कपड़े गंदे करने के लिए नहीं होते हैं, सही है, चोंच साफ करने के लिए नहीं होते हैं।
ये क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के दोस्तों? ये मुर्गी है क्या? ये अंडे दे रही है, मतलब अंडे के लिए बैठी है? मुझे तो नहीं पता सर, लेकिन अगर ऐसा है तो ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। मतलब कि ये मिस्त्री जो है लुमन ब्राउन, ये अंडे दे रही देगी। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है वो शायद अंडे दे, क्योंकि ये बैठी हुई तो इसी तरीके से है। आपका क्या ख्याल है कि ये अंडे देगी या नहीं देगी? इसका मुर्गा मतलब गंदगी हो रही है दोस्तों, तो मैं झाड़ू देखता हूँ झाड़ू कहाँ है। ऐसा करता हूँ, पहले मैं झाड़ू से सफाई कर लेता हूँ, पहले यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ। दरवाज़ा खोल देता हूँ, क्या कि एयर निकल जाए बाहर, हवा। दोस्तों आप लोग भी जब सफाई करा करें ना, तो खिड़कियाँ दरवाजे खोल दिया करें, ताकि जो है वो सफाई करने के वक्त जो हवा है वो निकल जाए, क्योंकि यहाँ वाला एरिया भी साफ हो गया है। ये खिड़की दरवाजे खुले हुए हैं, यहाँ का एरिया साफ हो गया है। अब मैं यहाँ का एरिया साफ कर लेता हूँ। ये डंडा कहाँ से आ गया? ये यहाँ से मैं डंडा रख देता हूँ, इसको कर देता हूँ। अटकाया हुआ है ये, ताकि जो है ये आराम से यहाँ सेट हो जाए। तो यहाँ का भी एरिया साफ हो गया है। आपको तो पता है ना, रोज़ाना ये कितनी गंदगी फैलाते हैं, तो मैं यही करता हूँ कि रोज़ाना की मेरी तकरीबन रूटीन है कि मैं सुबह सुबह जब आता हूँ तो इनको खाना डालने से पहले मैं सफाई कर देता हूँ। आज मैंने सुबह खाना डाल दिया है, तो मैंने आज खाना डालने के बाद सफाई की, तो सफाई हो गई है। झाड़ू मैं यहाँ रख देता हूँ। पानी डाल दिया है, अभी ये मुर्गी पानी पी रही है। सर्दी है ना दोस्तों, वैसे भी आजकल ये जानवर जो है ना, परिंदे, वो सर्दियों में कम पानी पीते हैं, क्योंकि आपको तो पता है ठंडा ठंडा मौसम होता है, और इसकी यही वजह होती है कि ये कम पानी पीते हैं। ज़्यादातर जो है वो ये खाने ही खाते हैं, मतलब बाजरा या रोटी। रोटी तो बहुत शौक से पसंद है, जैसा कि आपको पता भी है मैं रोटी खिलाता हूँ, और ये कितनी शौक से खाते हैं आप मेरी वीडियो में देखते रहते हैं। तो अभी ये पानी पी रही है, खाना इन्होंने खा लिया है। अभी मैं इसके बर्तन जो है ये उलट के रख देता हूँ, ताकि जो है ये इसके अंदर ऐसा होता है कि ये हक देते हैं ना, तो बीट कर देते हैं, तो दोस्तों ये ख़राब हो जाता है गंदा। तो अभी ऐसे ही सर्दियाँ हैं, आपको पता है कि ठंडे ठंडे पानी में हाथ डालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से मैं इसको पलट के रख देता हूँ। ये है बाउल, इसमें पानी भरा हुआ है, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। कैसे पानी पी रहे ना, माशाल्लाह पानी देखे दोनों एक साथ। ये दोस्तों ये इतना तीनों चारों जोड़ी थी, ये दो असील और एक वो और एक ये काला, तो मतलब ये भाई भाई हैं, और माशाल्लाह मेरे पास ऐसे रहते हैं ये सब आपस में मिलके, कि ये लड़ते भी नहीं हैं। वरना बाज़ों का लोग मुझे मिलते हैं ना, तो यही कहते हैं यार तुमने माशाल्लाह जानवर पाले हुए, मतलब बर्ड वो मुर्गे, और वो लड़ते नहीं हैं, हैरत की बात है यार। तो मैं कहता हूँ नहीं भाई, हम भी इसी तरीके से रहते हैं,
तो इस तरीके से ये लोग भी रहते हैं माशाल्लाह। देख रहे हैं आप, एक के बाद एक पानी भी पी रहा है और ये आपस में प्यार से इत्तेहाद से रह रहे हैं, मोहब्बत से। ये जो तीन मिस्री पाले थे उनमें से ये दो बचे हुए हैं, तो माशाल्लाह ये मुर्गा है और ये शायद है मुर्गियों में भी। तो ये देखें माशाल्लाह, ये चारों फैंसी बर्ड जो हैं वो अभी उनको वापस देने हैं। तो जो मेरे पड़ोस में देखे गए थे मुझे, तो 3 महीना हो गए हैं उन्हें, 1 महीना रह गया है। अब ये जो बच्चा है असील का, ये भी माशाल्लाह बड़ा हो गया है। तो इस तरीके से माशाल्लाह देखें कितना बड़ा हो गया है। ये पी लो ना आप पानी, यहाँ से पियो। असल में ये लोग मारते हैं ना, ये जितने भी हैं सब इसको, इस वजह से ये जो है ये इधर उधर मुंह मार रहा है। यहाँ से पी लो पानी भाई, इजाज़त दे दो उसको, बड़ा है ना दोस्तों, वो मारता है वो। यहाँ से पी रहा है, पीने दो, पी रहा है। क्या हो गया काले? आज तो काला को पता नहीं क्या हो गया। बस ये है कि दोस्तों ये बस थोड़ा डरता है, बच्चा है ना असल में अभी, तो इस वजह से। ये इसकी और इसकी उम्र में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तकरीबन 6-7 महीने का फ़र्क है, लेकिन उसके बावजूद ये जो है बच्चा हमारा असील का, ये असील मुर्गे से डरता है, ये अपने ही भाई से है ना भाई। मतलब मारे जा रहा है पीछे पीछे, ये अभी तक माशाल्लाह पानी पिए जा रहा है। ये जगह जगह बैठ जा रही है, पता नहीं इसके अंडा देने का टाइम तो नहीं आ गया। तो अभी दोपहर हो गई है, तो मैं ये आलू ले आया हूँ, अब इनको आलू डालूँगा सबको। देखें आप, मैं इन सबको आलू डालूँगा। तो पहले सीधे हाथ से डालता हूँ, यहीं खड़े हैं सारे। तो ये कैसे आलू डालूँ? साफ हो गई है, एक आलू रह गया है, एक आलू भी रख दिया अल्हम्दुलिल्लाह, डाल दिया है सबको। ये सब खा रहे हैं, ये सारे यहाँ खा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये मैं आलू खिला रहा हूँ, बड़ी शौक से खा रहे हैं आलू। और ये काला केला खा रहा है, ये दो मिस्री जो हैं वो यहाँ खा रहे हैं खाना। तो दोस्तों ये जब तक खा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं रूटीन में तकरीबन यही खिलाता हूँ, क्योंकि आपको तो पता है कि आजकल आलू भी सस्ते हुए हैं और आटा थोड़ा महंगा है, तो इस वजह से मैं आलू ज़्यादा खिला रहा हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ फिर उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपना, और
अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बिलखुसूस अपने वालदैन का जो अगर बूढ़े हैं तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।